वैसे तो चैनल पे साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग मैं एडवांस लेवल पे दे ही देता हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो पे ना मैं आपको ट्रेनिंग नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको सोर्सेज कहाँ से मिलेंगी कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। यानी कि वास्क जैप या वास्क टॉप 10, आपने सुना होगा वास्क टॉप 10 एक ऐसी वल्नरेबिलिटी का लिस्ट होता है जिसके द्वारा आप बड़े अरसे में ग्लोबल लेवल पर आप जान सकते हो कौन सी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा चल रही है, कौन सी वेबसाइट्स में अभी ज़्यादा रनिंग पे है, और उसके द्वारा स्टडी के द्वारा आप कम से कम स्टडी पे कम से कम रिसर्च पे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गैदरिंग कर सकते हो। इसको इस प्रकार समझो, आज के डेट में 600 से भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्टिंग है, नई भी नहीं भी तो 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वेबसाइट्स में मिलती है। तो क्या 100 वल्नरेबिलिटीज़ को पढ़ना, उसकी स्क्रिप्टिंग्स को समझना, उसकी एक्सप्लॉइट्स को समझना, उस पर राइटिंग करना, क्या इतना संभव है? शायद नहीं। ब्लॉगिंग पढ़ना, वो भी संभव है क्या? शायद नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। शायद ये स्कैनर तो बता दे लेकिन हम लोग इस पे ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ टॉप 10 उन वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर देखेंगे जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा मात्रा में चल रहे हैं, और उस पर हाथ साफ करके अपना वेब पेन टेस्टिंग बग बाउंटी को नेक्स्ट लेवल पे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो आज की जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वास्क ज़ैप के ऊपर है। तो वास्क टॉप 10 गूगल पे सर्च कर लो और आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप इसके और डीप में जानना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, उस नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको जानना क्या है साइबर सिक्योरिटी। बहरहाल यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो वास्क टॉप 10 को क्यों रिसर्च किया गया, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है जिसका इस्तेमाल करके आप खुद के नॉलेज को, एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, यहाँ तक कि आप इनके रिसर्च से अपनी एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर 2017 से 2021 तक का यहाँ पर कुछ डेटा है, जिसमें 2017 में इंजेक्शन हुआ, ब्रोकिंग ऑथेंटिकेशन हुआ, XXE हुआ, XSS हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली। वैसे तो मैं XSS हुआ, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, SQL पे बहुत ज़्यादा बुलिश होता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर वही 2021 में आपको फिर से देखने को मिलेगा क्या ब्रोकन ऑथेंटिकेशन आज भी मौजूद है, टॉप 1 में जो होगा, 2 में, 3 में, 4 में क्या होगा, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। कुछ गौर करो, यहाँ पे XSS गायब हो गया है या फिर समझ लो थोड़ा सा मतलब थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है, लेकिन बाकी सब चीज़ में यहाँ पे इन्हेंसिंग हुआ है। ऐसे सारे सर्वर पे इन्हेंसिंग हो रही है, न्यू आ रही है जो यहाँ पे देखने को जानने को मिलती है। तो आप लोग को स्टडी अपना बढ़ाना है ताकि इसमें नॉलेज आपको मिलती रहे। तो देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक URL पे आपको हर एक नॉलेज मिल जाएगी, यहाँ पे क्या क्या चीज़। अब यहाँ पे ओवर रिव्यू है, ऑब्वियसली बात, अब इतना तो मैं अपनी वीडियो में नहीं कवर कर सकता, लेकिन आपको मैं समझा दिया किसी टाइप से वल्नरेबिलिटी। अब आपको पता है कि आपको एक एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स को ले ले करके आगे बढ़ते चले जाना। CVE पे स्टडी करो, आप POCs के ऊपर पढ़ो, HackerOne, Bugcrowd पे जाओ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्निंग को अंजाम देना, वहाँ पे पढ़ने शुरू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे दिखाई गई। याद रखना सब कुछ के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट लर्निंग मिले। देखो यहाँ पे एक्सेस यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो सारे इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके जानकारी मिल रही है। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं, इसको किस किस सेगमेंट्स होगा, SQL कमांड्स क्या होगा, किस तरह प्रोटेक्शन किया जाए, किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाए, क्या हैक किया जाए, प्रिवेंशन क्या है, वल्नरेबिलिटीज क्या है, सभी कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। देखो यहाँ पे SQL इंजेक्शन की शायद ये एक्सप्लोइटेशन प्रोसेस है जिसमें एक्सप्लोइट हो सकता है, क्या हो सकता है, और ऐसे एक नहीं बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे कोई अगर ऐसा बंदा है, ऐसा स्टूडेंट है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसको नॉलेज से बहुत ज़्यादा प्यार है, लर्निंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो सच बता रहा हूँ आपको प्यार आप सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि ये सब जगह पे आर्टिकल जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत मात्रा में चीज़ें होंगी। जैसे देखो SQL को सर्वर्स को कैसे टेस्ट किया जाता है, मैनुअल टेस्टिंग कैसे होता है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग कैसे होता है, होस्ट हेडर अटैक कैसे होता है, होस्ट हेडर इंजेक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें ना शायद मैं चैनल पर इतना कोर लेवल पर ना बता पाऊँ क्योंकि यूट्यूब चैनल है, सुन लो मेरी बात, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल। अगर आप हैकिंग कोर्स करना चाहते हो तो शायद मैं ये सब जानकारी दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बहरहाल यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन बता रहा है कि इसके सेगमेंट पे एक्सप्लोइटेशन होता है, और एक एक करके अपना एक्सप्लोइट लेते जाओ। शायद यहाँ एक्सप्लोइटेशन ना भी बताए कुछ कुछ चीज़ों में ताकि कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो, लेकिन टेस्टिंग सब में बता रहा है। आपको पता है ये टेस्टिंग करके होगा क्या, यही टेस्टिंग करके आप एक अच्छी सी बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग में करके जा सकते हो, अच्छा खासा निभा सकते हो। मैं फिर से बोल देना चाहूँगा, अगर आप सच में प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग के ऊपर मतलब इंटरेस्टेड हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब से आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं कर पाओगे। मैं खुद यूट्यूबर हूँ तो मैं आपको प्रस्टल बातें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। देखो ऐसे सारे मेरा फेवरेट वल्नरेबिलिटीज है क्योंकि इससे मैंने अच्छा खासा इनकम किया अपना बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग की जगह पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो SSRF यानी कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी में यहाँ पे क्या क्या सेगमेंट होगा, एक्सप्लॉइट कैसे होगा, सर्वर एक्सप्लॉइट कैसे होगा, लोकल होस्ट में एंट्री कैसे होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आपको पता है मैंने पिछला ही वीडियो पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पे 5 ऐसी वल्नरेबिलिटीज बनी, जिसमें मैंने आप लोग को बब सूट के बारे में बताया था। बब सूट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम आता है SSRF पे, मैंने लैब्स पूरा का पूरा SSRF लैब खेल करके दिखाया था, कहाँ पे, अपने यूट्यूब चैनल पे तो पहले दिखाया था, अभी वो वीडियो उड़ाना पड़ा मुझे, लेकिन मेरे टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें कंटेंट मिल जाएगी। यानी कि आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो, कुछ दिक्कत आने पे
आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम पूरी तरह आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को जानने को मिल रही है। तो वन सिंगल वर्ड आपको आज क्या जानने को मिला कि एक OWASP Top 10 अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत कम समय में बहुत बड़े वल्नरेबिलिटीज की ओर आप आकर्षित हो सकते हो, उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। आप ट्विटर फॉलो कर लो, देखो हर चीज़ों को, जब भी मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको एक्सप्लोर करना ये क्या करता है। फाउंडेशन में अलग अलग जगह से स्टडी करता रहता हूँ, मटेरियल लाता रहता हूँ। सोचो इसके बाद भी कैसा हो कि आपको टाइम टू टाइम फ्री में, हाँ जी बिल्कुल, टाइम टू टाइम फ्री में एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग कंटेंट अपडेट आता रहे, कैसा होगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी पोस्ट में जाना। देख लो कम्युनिटी में हमारा यहाँ पे किस तरीके का ट्रेनिंग देते हैं, WAPT यानी कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसके ऊपर पूरे आर्टिकल यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है और साथ ही साथ आपको समझाया कैसा एक्सप्लोटेशन और रिपोर्टिंग कैसा, सभी कुछ। क्या इतना ही था? नहीं, ये तो शुरुआत था। बग बाउंटी के ऊपर मैंने बताया कि एक एथिकल हैकर कैसे बग बाउंटी होता है, तो इस तरीके से मैं आर्टिकल देता रहता हूँ और आप लोग स्टडी करते रहो ताकि नॉलेज की भरपूर मात्रा में आपको कॉन्टेंट मिल पाए। और याद रखना मैं बहुत ज्यादा मात्रा में सोर्सेज लेकर के आता हूँ, जैसे एक्सेस है, मैंने आपको रिसेंटली बोला था ना, XML एक्सटर्नल एंटिटी के बारे में मैंने बताया था और ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया, यानी कि जो चीज़ें मैं YouTube पे बताता हूँ मैं लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने वो आर्टिकल लेकर के आता हूँ। ऐसी बहुत आर्टिकल है जो पब्लिश होगी, मतलब ये सब सारे टाइमर पे है। तो अब चाहो तो आप स्टडी करो और अपने नॉलेज को लेकर के जाओ आगे। मिलते हैं ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के अगले ट्यूटोरियल में, कब? जब आप सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।